Hello viewers, welcome to my YouTube channel A Grade Maths. Today we are going towards exercise number 3.5, question number 4, sum number 3. Okay, before that, if you are new over here in my channel, then please do like all videos, subscribe my channel and press bell icon for the all the latest video updates. Okay, don't forget to subscribe my channel. Okay, so question number 4's question is, from the pair of linear equations in the following problems and find their solution by any algebraic method. पहले भी इसके पहले वीडियो में हम ये क्वेश्चन क्या है वो समझ चुके हैं, फिर भी आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बनाने हैं जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम दी है उसमें से, और फिर उसको कोई भी एलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बट कंपलसरी वो मेथड एलजेब्रिक होनी चाहिए, ग्राफिकली नहीं. ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ सम नंबर 3. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Okay. यहाँ पे जो question दिए, देखो मैंने यहाँ पे bracket बना के रखे. This is the first condition and this is the second condition. जब भी हम word problem solve करते हैं, सबसे पहले question. Question को understand करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर question को ये एक key है कि आप कैसे आप मैथ्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं, मैथ्स में कैसे 100% ला सकते हैं, तो ये की है कि पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं. विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ मैथ. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी, उसके बाद द वे ऑफ राइटिंग यू आंसर, तो उसके बाद आता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए. तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें सबसे पहले आपको दो कंडीशन दी होगी, तो क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो पेयर में होते हैं दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए कंपलसरी आपको दो यहाँ पे कंडीशन दी होगी. उसके बाद क्वेश्चन क्या बना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. क्वेश्चन में टोटल कितने होने वाले, एग्जामिनेशन में टेस्ट जो भी होने वाले उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले, वो आपका क्वेश्चन है. तो देखो यहाँ पे किसकी बात की है, तो जो भी मार्क्स की बात की उसके बाद बात की है कि कुछ आंसर राइट है कुछ आंसर रॉन्ग है, कितने राइट है कितने रॉन्ग है, अगर वो हमें पता चल जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन होगी वो आपका पता चल जाएगा. एज एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन देते हैं उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, आपके आंसर होते हैं 6 करेक्ट 4 इनकरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल क्वेश्चन 10. तो सेम वे हम यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि सब Suppose Yash gave X right answers and Y wrong answers. तो देखो यहाँ पे दो चीज पता चल गई हमें कि X right answer है and Y wrong answers है. So then from the given data, हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके ऊपर से अगर हम अपना इक्वेशन बनाए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल कितने मार्क्स उसको मिले हैं, 40 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 40. नाउ देखते हैं आगे, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स एक राइट आंसर होगा तो उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, तो उसके करेक्ट राइट आंसर कितने हैं, एक्स, तो 3 × x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x. फिर क्या होने वाला है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स, लूजिंग यानी माइनस, 1 मार्क्स माइनस होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर कितने हैं, वाई, तो वाई मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, और माइनस मार्क्स होने वाले इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये बन गया इक्वेशन वन. नाउ व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, सो 4 करेक्ट आंसर मार्क्स बीन अवॉर्डेड इज 4 मार्क्स, सो करेक्ट आंसर इज एक्स, 4 × x 4x, एंड देन क्या है, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, 2 मार्क्स माइनस होने वाले है, एंड गलत आंसर रॉन्ग आंसर कितने हैं, वाई, तो आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू टोटल मार्क्स 50.
नाउ देखो ये तो सेकंड इक्वेशन ये, बट यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 टू कट 25 टू जा, तो इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेते हैं. तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. कोई भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पे जो इजी मेथड दिख रही है वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो ये तो क्या है, प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा कट. 3x माइनस 2x हो जाएगा 1x इज इक्वल टू, यहाँ पे 40 माइनस 25 करने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 40 माइनस 25 आंसर में साइन आएगी प्लस, हो जाएगा 15. तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15. तो एक्स इज इक्वल टू आंसर आ गया है 15. एक्स इज इक्वल टू 15 आंसर आने के बाद वो वैल्यू क्या करेंगे, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कौन सा है हमारा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. देयरफॉर 3 और x, x की वैल्यू है 15, तो 15 3 जा हो जाएगा 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 40. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, सो वाई इज इक्वल टू 5. तो टोटल क्वेश्चन क्या होंगे, तो टोटल राइट क्वेश्चन है 15, रॉन्ग है 5, तो 15 प्लस 5 यानी टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस. क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, सो देयर वेर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट. तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का आंसर. Now let's move towards sum number 4 of question number 4, exercise 3.5. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? First of all, what we have to find? We have to find what are the speeds of the two cars. So let us assume the speeds of the car. So let the speed of the car starting from A be x kilometer per hour, क्योंकि स्पीड की बात है तो यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर, and the speed of the car starting from B y kilometer per hour. यहाँ पे हमने सबसे पहले स्पीड एज्यूम कर लिए. नाउ देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम द ए. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम फिगर ड्रॉ की जिसकी मदद से आप समझ सकते हो कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए मतलब कि यहाँ से ए पॉइंट से एक कार स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी और एक बी पॉइंट है जहाँ से दूसरी कार स्टार्ट हो रही है, द सेम टाइम, दोनों का टाइम कैसा है, सेम. इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डिरेक्शन, दोनों जा रही है, यहाँ पे देखो मैंने एरो बनाया है, ये सेम डिरेक्शन में जा रही है, एट द डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है, इसकी स्पीड एक्स, इसकी स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hour, दोनों कितने टाइम में मिलने वाले हैं, 5 hour में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इतना हमने फिगर में से देख लिया, बाकी का आगे समझेंगे. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है. तो डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है स्पीड इनटू टाइम. तो देखो टाइम कितने टाइम में वो लोग मिल रहे हैं, 5 hour ना, यहाँ पे हमें टाइम दिया है कि
5 ओवर्स में वो लोग मिलने वाले हैं। और दोनों की स्पीड हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली है, तो यहाँ पे देखो अगर हम ए कार की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी है x, और उसको टाइम कितना लगने वाला है 5, तो इसका हो जाएगा 5x। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस है तो किलोमीटर आएगा। और सेम वे हम बी कार की बात करें तो उसकी स्पीड क्या है, तो उसकी स्पीड है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी कार की स्पीड है वाई, और वो भी कितने ओवर में मिलने वाली है 5 ओवर में, तो वहाँ पे हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ हो जाएगा 5y किलोमीटर। अब देखो दोनों क्या कर रही है, सेम डिरेक्शन में जा रही है ना, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है पी, जहाँ पे जाके वो दोनों कार मिलने वाली है, क्योंकि दोनों ए कार है बी कार है, ये यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, बी कार यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, और दोनों सेम डिरेक्शन में जा रहे हैं और मिलने वाले हैं पी पॉइंट पे। तो देखो ए कार एक टाइम पे स्टार्ट होके फिर बी पे पहुंचेगी, और बी से होके पी पे पहुंचेगी। अब बी कार देखो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट होके पी पे पहुंचेगी, तो अगर हम यहाँ पे डिरेक्शन यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो बी पी वाला है ना, क्योंकि ए पहुंचेगा पी पे, तो ये जो बी पी है वो बी बी ये डिस्टेंस कवर करेगा और ये भी ये डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो ये डिस्टेंस कितनी बार आएगा 2 बार, तो एक बार के लिए उसे सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों के टोटल जो भी ए और बी प्लेस के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 100, तो इज इक्वल टू सबसे पहले थे 100 किलोमीटर। ओके नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी माइनस बी पी, क्योंकि देखो ए पी यानी ये पूरा उसमें से बी पी माइनस कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये जो जो दोनों पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिफरेंस वो हमें मिल जाएगा। तो ए पी यानी उसका कितना है 5x किलोमीटर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, माइनस बी पी यानी कितना है 5y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दे तो हमारे लिए इजी इक्वेशन बन जाएगा, 5 5 कट 5 5 कट यहाँ पे आ जाएगा 20, तो देयर फॉर इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम वे इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें कंडीशन क्या दी है, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब एक दूसरे की तरफ देखो, ये हो गया दूसरा फिगर, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे की तरफ, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ पे आएगा, एक दूसरे की तरफ टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल करेंगे, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो कितने टाइम में मिलने वाले हैं 1 आवर में। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से ए के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे कितने टाइम में मिलने वाले 1 आवर, और स्पीड कितनी वाली, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो रही है एक्स, और डिस्टेंस कितने टाइम में, कितने 1 आवर में मिलने वाले, तो 1 × x, तो वो हो जाएगा 1x किलोमीटर। बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो बी इज इक्वल टू होने वाला है 1 × y, तो वो हो जाएगा y किलोमीटर। यहाँ पे भी 1x इज इक्वल टू x किलोमीटर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है। तो ना अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे a आएगा q पे, एक पॉइंट मैंने ले लिया है जहाँ पे वो दोनों मिलने वाला आएगा, b आएगा q पे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस रिपीट हो रहा नहीं है, जैसे यहाँ हो रहा था कि ए से पी तक जाएंगे तो बी से पी तक, तो वो दो बी से पी तक का दोनों में आ रहा था, तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट वाई कट हो रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड से वाई प्लस वाई माइनस कट, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 100 प्लस 20 120, therefore x is equal to क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, 2 6 12 60, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। नाउ इस वैल्यू को क्या करेंगे सब्सटीट्यूट, तो आपको ऊपर क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे चलो हम लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू है 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो देयर फॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, देयर फॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 60 में से 20 जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा 40, देयर फॉर माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 40, सो एक्स इज इक्वल टू 60 आएगा, वाई इज इक्वल टू 40, यूनिट कौन सा आएगा किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा इजी मेथड्स के लिए। Thank you for watching this video.